ये दिनांक 8 सितंबर को थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन के पीछे जो तीन तालाब है उसके पास में एक डेड बॉडी मिली थी। तुरंत से उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई थी और जो पुलिस है उसने मौके पर पहुँच कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी पर भिजवाया था। बाद में डेड बॉडी की शिनाख्त विपिन कुमार दुबे, जो कि कंपिल के रहने वाले हैं और जो रोडवेज में सुविधा पर ड्राइवरी का काम करते हैं, उसके रूप में हुई थी और जो फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही मकान किराए से लेकर रहते थे। इसके संबंध में तुरंत उसी दिन 407/22 धारा 302-200 के अंतर्गत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें हमारी जो SOG टीम, सर्विलांस टीम और थाना फतेहगढ़ की टीम COCT के नेतृत्व में काम कर रही थी और जो इस जो ये मर्डर हुआ था इसके संबंध में दो व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम आकाश और राधिका है। साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम दीपक ठाकुर है। इन लोगों से इंट्रोगेट करने में ये चीज़ सामने आई है कि आकाश और राधिका का जो मृतक है उसके साथ पहले अवैध संबंध था, उसी लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। ये चीज़ आकाश और राधिका को पसंद नहीं थी, उसी कारण से इसने जो संजीव और दीपक ठाकुर है इन दोनों के साथ मिलकर इनको फिर पैसे देते हुए इसकी हत्या की साजिश रची और दिनांक 8/9/2022 को इसने बहाने से इसको अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में ये पीछे शराब, इन्होंने साथ में शराब पी और शराब पीने के बाद में इन तीनों ने मिलकर तालाब के पास में इसका जो हथियार था, धारदार हथियार था, चाकू था, उससे इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद ये दोनों संजीव और दीपक है यहाँ से निकलकर दिल्ली भाग गए थे। अभी दीपक और आकाश और राधिका को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ इनके पास से जो मृतक है उसका जो मोबाइल फ़ोन है, साथ ही साथ और जो आला कतल जो उसमें यूज़ किया गया था उसका जो दूसरा बाकी पार्ट था वो भी इससे प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो दीपक ठाकुर को 50,000 रुपये हत्या करने के लिए दिए गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। वो जो एप्पल खरीदा उसके द्वारा जो एप्पल मोबाइल खरीदा गया था वो भी बरामद किया गया है। और इसके अंदर जो अन्य अभियुक्त है जिसका नाम संजीव है, जल्दी उसके लिए टीम लगी और उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अभी अभी पुलिस ने जो खुलासा किया उसके पीछे की कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है प्यार, इश्क, ब्रेकअप और फिर मर्डर की, जिसे अंजाम दिया गया है यूपी के फरुखाबाद में। दरअसल यहाँ पर एक राधिका नाम के किन्नर ने अपने प्रेमी विपिन द्विवेदी को सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। इसके पीछे की वजह सिर्फ ये है कि कभी एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार विपिन और राधिका के बीच दूरी आ गई थी। ये दूरी विपिन ने पैदा की थी और वो पिछले एक साल से राधिका से दूर रहने लगा था। राधिका से विपिन की ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसके बाद उसने विपिन को जान से मारने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने दो सुपारी किलर्स दीपक ठाकुर और संजीव को 1,00,000 में सुपारी दी। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को पुलिस लाइन के पास एक तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद लाश की पहचान रोडवेज बस चालक विपिन द्विवेदी के रूप में की गई। विपिन के हाथ पर राधिका नाम का टैटू भी था, जिसके बाद पुलिस की जांच और भी आसान हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद फतेहगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। लाश के हाथ पर राधिका नाम से पुलिस ने जांच की शुरुआत की। पुलिस ने जांच में पाया कि जिसके नाम का टैटू विपिन ने अपने हाथों पर बनवा रखा था, उसी ने विपिन को मरवाया है। प्लानिंग के मुताबिक बीते 8 सितंबर को राधिका ने फोन कर विपिन को बुलाया था और उसे लेकर फतेहगढ़ के पास एक तालाब के पीछे संजीव और दीपक के साथ वो गई थी। पहले उसे जमकर शराब पिलाई गई, जब वो नशे में हो गया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाश को वहीं तालाब में फेंक कर दीपक और संजीव वहां से फरार हो गए। विपिन की हत्या करने के बाद दीपक और संजीव दिल्ली भाग गए। राधिका के दिए पैसों से दीपक ने अपने लिए आईफोन खरीदा, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल एक टैटू की मदद से पुलिस ने विपिन के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि एक हत्यारा संजीव अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही संजीव को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।